किरणावली 177 पृष्ठ में। तथा च तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्य अतात्विक संबंध दर्पण मलिमनेव मुखस्य उपलब्धि उच्यते। ये था ना मुक्तावली पुरुष के अवतरणिका। बुद्धि परिणामेन, तत्परिणामेन मैंने बुद्धि परिणामेन अयंगट इत्यादि वृत्ति रूप ज्ञानेन, अयंगट इत्यादि वृत्ति रूप ज्ञान से सह यह पुरुष से संबंध के साथ जो पुरुष का संबंध है घट विषय ज्ञानवान हम, अयं घट इति ज्ञानवान हम इति ज्ञान विषयक बोधात्मक ज्ञान विषय ज्ञान रूपा जो होता है सोपि संबंध परमात्मक अंतिम परिणाम रूप अपरिणामिन पुरुषस्य अतात्विक अवास्तवो निगत्यते है। वह संबंध भी वास्तविक पुरुष के साथ में जो है वह अतात्विक है, अवास्तविक है। यदि वह परमात्मक है अंतिम परिणाम रूप है, लेकिन वह अपरिणामी पुरुष के साथ वो जो संबंध है वह संबंध उसका अतात्विक अवास्तविक ही रहेगा। स उपलब्धि शब्देन उच्यते, वह हमारे मत में उपलब्धि शब्द से है। ताला लगा हो गया हमारा। बुद्धि शब्द तीनों अर्थ प्रयोग हो रहा है, बुद्धि एक द्रव्य कार्य रूपा और एक जो प्रथम ज्ञान हो रहा है उसको भी हम कह रहे हैं, अंतिम जो ज्ञान हो रहा है उसको भी कहेंगे। तो द्रव्यवाचक बुद्धि अलग चीज है, ज्ञानवाचक बुद्धि अलग चीज है और उपलब्धिवाचक बुद्धि अलग चीज है। तीनों अलग अलग है। बुद्धि ज्ञान उपलब्धि भेद करता है। अयंगट ज्ञान हो गया, जिसको आप व्यवसाय कहते हैं उसको हमने ज्ञान कह दिया, जिसको अपन व्यवसाय ज्ञान कहते हैं उसका नाम उपलब्धि रख दी, भिन्न हो गया ना, तीनों फर्क कर दिया इस तरह से। तत्र दृष्टांतम महा, उसे दृष्टांत दे रहा है किसका, दर्पण को लेकर के। दर्पणस्तम शतवक्र रेखा धूसर भावादि मालिन्यम दर्पण ये वर्तते। दर्पणस्थ जो क्षत वक्र रेखा हो चाहे वह धूसर धूड़ी हो, भाव आदि मालिन्य दर्पण में हुआ था, आपके मुख में नहीं है, ये फूट गया कांच, कांच फूट गया, टेढ़ा मेढ़ा रेखा हो गया है, या धूल बैठ गया है, या कीचड़ लग गया है, या कुछ भी हो, मल कहाँ है, कांच में, दर्पण में है। भाव मैंने वही इत्यादि भाव, धूल दूसरा भाव, धूली भाव, भाव सब जोड़ दिया। मालिन्यम दर्पण ये वर्तते न तो मुखे, मुख में नहीं है, तथापि मुख प्रतिबिंब दृश्यते। फिर जो मुख प्रतिबिंब दिख रहा है दर्पण में, उस दर्पण में भी उसका असर है या नहीं, वक्ररेखा का भी, धूसर का भी, धूड़ी का भी, सब के छड़ का, सबका असर दिखता है, प्रतिबिंब में दिखता है दर्पण में, मुख प्रतिबिंब दृश्यते। तद यथा अवास्तव, लेकिन मुख प्रतिबिंब में भी जो दिख रहा है वो अवास्तव है, ठीक उसी प्रकार से अभी घटाना है हमने। मुख प्रतिबिंब दर्पण यह संबंध, मुख का प्रतिबिंब संबंध भी वास्तव में क्या है, अवास्तव है, और प्रतिबिंब में जो धूल आदि का संबंध वो भी अवास्तव ही है। तथा पुरुष बुद्धि वृत्ति ज्ञान यह संबंध, जब पुरुष और बुद्धि का संबंध और पुरुष बुद्धिजन्य जो वृत्ति ज्ञान का जो संबंध है वह कैसा है, उपलब्धि नाम का चीज वह भी अवास्तव। तथा च पुरुषो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विशेष इति सांख्य सिद्धांत, ये सांख्य सिद्धांत है। ज्ञान इति मूल में मुक्तावली, ज्ञान सुख दुख की इच्छा द्वेष धर्माधर्मापि बुद्धिरेव, ये कहता है ज्ञान के समान, जिस ज्ञान को घटा दिया ये आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है, ये सब बुद्धि रूपी कार्यगत गुण है, धर्म है। तद्वत कहता है ज्ञान के समान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म इत्यादि जो जो आप आत्मा का गुण मानते हो वह सब कहाँ का है, वो बुद्धिगत ही है। बुद्धि का क्या बोला इसने, द्रव्य, जैसे मन से वृत्ति निकल गया, मन अलग वृत्ति अलग है ना, मन का परिणाम है, स्वरूप थोड़ी हुआ, वो तो स्वरूप तथा द्रव्य है, उसे कार्य वृत्ति है, उस वृत्ति में ज्ञान हो रहा, ये उन्होंने कहा दिया पहले ही। तो कृति सामान्यधिकरण प्रतीत है, लेकिन वो कृति सामान्यधिकरण से यह बात की स्पष्ट प्रतीति हो रही है। न च बुद्धिश्चेतना, और कोई बुद्धि को चेतन मान लो ये नहीं हो सकता, परिणामित्व, किसी वृत्तियाँ निकल रहे हैं परिणामी है वो, चेतन हो नहीं सकता।
इति मतम एतेन अपास्तम। शुरू था ना 174 पृष्ठ में एतेन सांख्य मत आरंभ किया था, एतेन अपास्तम करके यहाँ तक लेके पहले सांख्य मत को दिखाया, बीच में एक देशी ने शंका उठाई उसके मत का स्पष्टीकरण करने के लिए, अब यहाँ से उस खंडन वास्तव में आरंभ होता है। 174 में है ना, इधर उसको अन्वय करो, एतेन अपास्तम अन्वय करना, लिखना क्यों। इति पूर्वोक्त अनुमानादिना युक्तिना एव अपास्त कृत्य दृष्ट भोगानामिव चैतन्यस्यापि सामनाधिकरणे प्रतीते तद्भिन्नमाना भावाच्च। बुद्धि चेतन नहीं हो सकती, नहीं है, कहता है ज्ञानमेव चेतनम, बुद्धि से हम ज्ञान लेते हैं ना, हमारे मत न्याय मतलब बुद्धि का अर्थ था ज्ञान, ज्ञान का मतलब चेतन, तब खंडन अर्थ नहीं, नहीं बुद्धिर ज्ञानम चेतनम तो तुम्हारा मत है वो ठीक नहीं, वो खंडन करते हैं सांख्य। हाँ न जब चेतन, और जवाब उसमें दिया हेतु दिया परिणामित्वाद। अब नया एक ने कहा कृति अदृष्ट भोगानाम इव इन सब के समान चैतन्य से सामनाधिगण्य प्रतीत है, चैतन्य के भी सामना प्रतीति हो रही है अहम के साथ में, अत तद भिन्न मान भावात इसे उसका भिन्न मानने में कोई प्रमाण नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहेगा चेतनम करोमि इति प्रतीतिर चैतन्यांश भ्रम, आप सामनाधिगण प्रतीति बोल रहे हो ना, आपने यही तो चेतनो अहम करोमि एक कृति का सामनाधिकरण है, चेतनो अहम इच्छामि इच्छा का सामनाधिकरण है, पुण्यात्मा अहम चेतना ये अदृष्ट का सामनाधिकरण हो गया, सारी चीज सामनाधिकरण अहम के साथ अनुभव करते हैं। ये सामनाधिकरण के आधार पर कहता है पूर्व पक्षी, कौन नहीं है कह रहा है पूर्व पक्ष का खंडन सांख्य के खंडन में, ये सामनाधिकरण के कारण से हम इसे आत्मा के गुण मानेंगे, कृति अदृष्टो इच्छा ज्ञान ये सब क्या है, बुद्धि का गुण नहीं, बुद्धि का वृत्ति नहीं, आत्मा का गुण है, क्यों सामनाधिकरण प्रयोगात। युक्ति दिया कौन नहीं आए कने कृति अदृष्ट भोगानाम मैंने सुख दुख का भोग मैंने सुख दुख साक्षात्कार ये सारी चीजें चैतन्य के साथ में सामनाधिकरणीय प्रतीति होने से तद भिन्न माना भवत मैंने भिन्न में है ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। आत्मा से भिन्न कौन है, सांख्य ने क्या कहा आत्मा में नहीं है सब, ये सब बुद्धि का धर्म है आत्मा का नहीं, तब से तद भिन्न मैंने आत्म भिन्न बुद्ध उन सबको मानने में प्रमाण अभाव, तब सांख्य कहता है ऐसे मत कहो, जो तुमने उठाया चेतनो अहम करोमि इसके आधार करोमि और चेतना दोनों के सामनाधिकरण कौन है अहम, उससे सामनाधिकरण प्रतीत हो रहा है, ये सामनाधिकरण को प्रतीत क्या आपका कहना है, आत्मा का गुण यथा कृति बोध यत्न है अहम और करोमि, हम है ना उत्तम पुरुष और वहाँ प्रयोग हुआ करोमि, ये दोनों अस्मृति उत्तम में क्या धर्म क्या है सामनाधिकरण होगा तभी होगा, ये युष्मद्य पदे समनाधिकरण है स्थान्य पे मध्यम उसका अनुवृत्ति है, सामनाधिकरण होना चाहिए, अहम और करोमि के साधा जो सामनाधिकरण कारण से आप कृति को आत्मा का गुण मान रहे हैं, उसके आधार पर आप चेतन मैंने ज्ञान को भी आत्मा गुण बनाना चाहते हैं, ये तो नया ग्रंथ दिया कृति सामनाधिकरण, तब वो कहता है कृतित्वंश में यथार्थ मान भी लें किंतु चैतन्यांश में हम भ्रम मानते हैं, ये सांख्य कहता है, देखिए चेतन हम करोमि इति प्रतीते है चैतन्यांश भ्रमा ये कह दिया, तब नया जवाब देखिए चेत ऐसा मत कहो जी, कृत्यंश भी किम नहीं सत्य, जैसे प्रयत्नांश में भी कह दो भ्रम है, कृत्यंश में भी बराबर सामनाधिकरण तो बराबर है ना, वही कह रहे हैं कृत्यंश भी किम न इष्यते, कृत्यंश से भ्रांति क्यों नहीं चाहते हो, मनुष्य भ्रांति स्वीकार करो, अन्यथा बुद्धेर नित्यत्व मोक्ष भाव अनित्यत्व तत्पूर्व संसार आपत्ति ही, कहते बुद्धेर नित्यत्व बुद्धि यदि नित्य, क्योंकि हम पूछते हैं दोष देना पड़ेगा ना उसको भी, वो इसलिए हम दे रहे हैं अन्यथा यदि बात नहीं मानते मैं तब भी पूछूंगा बुद्धि नित्य क्या नित्य बताओ, यदि बुद्धि नित्य है फिर मोक्ष होगा ही नहीं, अनित्य प्रवृत्त होते रहेगा भोग देते ही रह जाएगा, और अनित्य कहोगे
तो बुद्धि से, बुद्धि की उत्पत्ति से पहले संसार कहाँ है? कि ये सारे धर्म पुण्य पाप वगैरह जितना भी है अदृष्ट हो सब बुद्धि का, आपने कहा जब बुद्धि पैदा नहीं हुआ करता है, प्रथम उत्पत्ति है ना आपका प्रकृति से, उस समय ये पुण्य पाप आदि कहाँ थे? तो बुद्धि नहीं थी। मैंने यही कह रहे तत्पूर्व, मैंने बुद्धि और उत्पत्ति पूर्व, अनित पक्ष कहोगे तो उत्पत्ति मानना पड़ेगा कभी ना कभी ना, उत्पत्ति विनाश मानना हो गए, प्रलय काल विनाश हो गया। उत्पत्ति से पहले जब बुद्धि नहीं थी तब उत्पत्ति का निमित्त कारण बुद्ध अदृष्ट आदि कहाँ थे? कहीं तो होना पड़ेगा उनको, कहाँ मानोगे? कहीं नहीं मान सकते कि तुम्हारे तो बुद्धि में था, बुद्धि तो नष्ट हो चुकी प्रलय में। नहीं अनादि मानने वो तो मानते नहीं ना, उसकी उत्पत्ति को अनादि, वो तो उत्पत्ति क्रम बता दिया। दो ही चीज अनादि है ना उनके मत, प्रकृति और पुरुष, बाकी चीज अनादि हो नहीं सकता, अनादि और उत्पत्ति नहीं कह सकते उसकी, प्रथम कार्य कैसे बोलोगे उसको? फिर तीन अनादि हो जाएगा उनके मत में ना, द्वैतवादी कहा रह जाएगा वो? प्रकृति पुरुष और बुद्धि माननी पड़ेगी। जब उत्पत्ति कह रहे हो फिर अनादि नहीं बोल सकते, प्रथम उत्पत्ति प्रथम कार्य माना ना महत्त्व को, अनादि कैसे कहोगे? इसलिए जब प्रथम कार्य है उस कार्य में रहता आपने कहा अदृष्ट हो, तो इसका मतलब उस कार्य उत्पत्ति से पहले जब कार्य नहीं था तब अदृष्ट आदि कहाँ थे जिसके वजह से बुद्धि उत्पन्न हुई? कि बुद्धि की उत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण मानना पड़ेगा ना, यदि बुद्धि उत्पन्न नहीं होगा तो जीवात्मा नहीं होगा, जीवात्मा नहीं होगा तो फिर सारी व्यवस्था नहीं बनेगी संसार की। इसे तत्पूर्व असंसार आपत्ति ही आपत्ति नहीं आय को ने दिया। बद्ध जीव है ना, बद्ध पुरुष, बुद्धि के कारण से तो बंधन है, अब बुद्धि नष्ट हो जाएगी प्रलय में तो अपना मोक्ष हो जाएगा, फिर क्या कोई जरूरत शास्त्र पढ़ने की, प्रलय होने दो मुक्त हो जाएंगे, शास्त्र कोई जरूरत नहीं। और उत्पत्ति से उसी बुद्धि से पहले संसार थी ही नहीं, निमित्ति नहीं रह गया, पुरुष को जीव मानते हैं और क्या, उसके अलावा कोई अलग जीवात्मा तो है नहीं इनके यहाँ। बद्ध का ऐसे होगा वो बुद्धि संबंध मानने पर, अब बुद्धि तुम्हारा अनित्य यदि हो जाए तो बद्ध पुरुष नहीं रह गया ना, प्रकृति पुरुष का भेद ग्रहण, भेद को जानने से किसको होगा मोक्ष? बद्ध पुरुष को होगा ना। हम ये कह रहे पहले भाई बुद्धि यदि नित्य है और मोक्ष कैसे होगा? भोग देती रहेगी ना, उसका नाश मानना पड़ेगा, नाश होने से आप उत्पत्ति भी मान रहे हो, ऐसे उत्पत्ति विनाशशाली बुद्धि में आपने अदृष्ट माना, ठीक। अब मोक्ष बात को छोड़िए, हम पहले पूछते हैं जब प्रकृति मात्र थी और पुरुष मात्र था, प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न कैसे हुआ, क्या निमित्त है? अदृष्ट तो है नहीं, अदृष्ट आदि है नहीं ना, कहाँ रहेंगे? जब बुद्धि नहीं है तो अदृष्ट नहीं रहेगी, अदृष्ट है नहीं तो निमित्त है नहीं, तो सृष्टि उत्पन्न नहीं कैसे हुआ? ये करे असंसार आपत्ति, ये बुद्धि को अनित्य मान गए, उत्पत्ति विनाश से मान लिया आपने, फिर तो बुद्धि नहीं थी प्रलय काल में, जब प्रलय काल बुद्धि ही नहीं थी तो अदृष्टादि रहे ही नहीं, तो निमित्ता भाव संसार उत्पन्न ही नहीं होगा, मोक्ष बात तो भूल जाओ, कैसे होता कैसे नहीं होता। इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये बुद्धि में नहीं है अदृष्ट, कार्य गए आत्मा में मानना पड़ेगा। जब आत्मा में, आत्मा में तो नित्य है, आत्मा तो नित्य है, उसमें रहना अदृष्ट अनित्य है, लेकिन अदृष्ट बना रहेगा ना प्रलय काल में भी आत्मा बने रहने से, अब आत्मा बने रहने से जो अदृष्ट बना रहेगा वो निमित्त बना हुआ है वहाँ पर, भले बुद्धि नष्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं अभी हमको, वो निमित्त को लेकर प्रकृति क्या करेगी? बुद्धि को पैदा कर देगी, और उस बुद्धि फिर क्या कर भोगन देना शुरू करेगा बद्ध पुरुष को, ये चलते रहेगा काम। यानी ऐसा कोई नित्य तत्व में अदृष्ट को गुण रूपेण या धर्म रूपेण या वृत्ति रूपेण स्वीकार नहीं करोगे केन केन रूपेण भी, फिर तो संसार उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा। ये नहीं कहने तत्पूर्वम असंसार आपत्ति स्यात् नन व चेतनया प्रकृते कार्यत्वात् बुद्धिर अचैतन्यम कार्य कारणयोः तादात्म्यम इति चेत् न अचेतनाया प्रकृति कार्यत्वात्, अचेतन प्रकृति का कार्य है कौन? बुद्धि, इसलिए वो भी अचैतन्य है, कार्य कारण तादात्म्य कार्य और कारण तादात्म्य के नाते चेत न असिद्ध है, कर्तुर्जन्यत्वे
माना भावात, कर्ता से कोई चीज का जन्य होने में कोई प्रमाण नहीं है, इसे बुद्धि को प्रकृति का कारण नहीं मान सकते। ये जो कर्ता है, तो जैसे हम लोग में क्या देखते हैं, कुड़ाल से घड़ा पैदा होता है कि कुड़ाल मिट्टी से घड़ा पैदा करता है? कर्ता से तो कार्य पैदा नहीं हुआ ना, कर्ता कारण है, हम कारण नहीं है नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कर्ता से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। कर्ता में कार्य का प्रति जो है जनक और जन्य भाव नहीं हो सकता है। मिट्टी और घड़े में जन्य जनक भाव है, मिट्टी से घड़ा जन्य है, उसे निमित्त कारण कौन? कुड़ाल होता है, कर्ता। अर्थात जो कर्ता है, कहने का अभिप्राय किया नहीं है, बोल रहा है जो कर्ता है वो उपादान कारण नहीं हो सकता, जो उपादान कारण है उसे कर्तृत्व नहीं हो सकता। यदि आप बुद्धि को उपादान कारण मान रहे हो प्रकृति को, फिर वो कर्ता नहीं हो सकता। यदि आप बुद्धि प्रकृति में कर्तृत्व मान रहे हो, फिर बुद्धि को उपादान कारण नहीं हो सकता। कि लोक में जितने भी दृष्टांत हम देखे, यही तो वेदांत ने अभिनिमित्त उपादान कारण इसलिए कह दिया। निमित्त कहाँ से लाओगे अलग? यदि अलग अलग उपान अलग दो रहेगा, फिर द्वैत आ जाएगा, द्वैत नहीं रह पाएगा, जैसे इनकी फसरे। तो इसलिए वो लोग जो भी वहाँ सिद्धांत बताए, इनके आप वर्तमान कहना है कि आप यदि प्रकृति का कार्य मानते हो बुद्धि को, फिर प्रकृति कर्ता नहीं हो सकता, उपान कारण है बुद्धि का। अरे कर्ता से जन्य कहना यह गलत है। बुद्धि को कर्ता से जन्य कार्य जो आपने कहा करके, और जन्य और जन का अभेद तादात होने के नाते जिसलिए प्रकृति जड़ से बुद्धि विजड़, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, ये हो नहीं सकता। कर्तृजन्यत्व मानभावात, इतना ही नहीं, आग न्याय सूत्र इसका विरोध भी है। वीतराग जन्म दर्शनात् इति, वीतरागों का जन्म नहीं देखा गया, न्याय सूत्र तृतीय अध्याय प्रथम मानिक 25वें सूत्र है, 6 अध्याय है ना, न्याय सूत्र 6 अध्याय में होता है, और प्रत्येक अध्याय में दो दो आहनिक बोलते हैं, पाद नहीं होता आहनिक, और प्रत्येक आहनिक में कुछ कुछ वो एक दिन में पढ़ाया जाए, इसलिए आहनिक नाम रख दिया। वीतराग जन्म दर्शनाद अनादित्वम इति, इसे बुद्धि को अनादि भी माननी पड़ेगी, आपको उत्पत्ति नहीं मान सकते, उनका जन्म नहीं होता है। अरे वीतराग पुरुषों के बुद्धि तो होगी, बिना बुद्धि के होते क्या वीतराग वाले? फिर उनका जन्म नहीं होता का मतलब क्या? वो अनादि है, इसे बुद्धि का जन्म होता नहीं। इस तुम प्रकृति का कार्य बुद्धि कह रहे हो, ये गलत है, ये सूत्र से सिद्ध हो रहा है, न्याय सूत्र से। अनादित्वम इति, अनादि भाव से नाश असंभवाद नित्यत्वम, और अनादि भाव पदार्थ यदि है, अनादि अभाव पदार्थ का नाश होता है, हम ये मानते हैं। अनादि अभाव कौन है हमारे पास? प्राग भाव, उसका नाश मानता हूँ। लेकिन अनादि जो भाव पदार्थ आप मान लोगे, उसका नाश नहीं मान सकते, फिर आप नित्य मानना पड़ जाए, फिर बुद्धि नित्य हो जाएगी, और जब बुद्धि नित्य हो गई फिर मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, वो दोष आ जाएगा। तो वेद पास जो फंसाया नहीं है कहीं, अनित्य मानोगे तो भी, नित्य मानोगे तो भी। नित्यत्व तद किम प्रकृत्यादि कल्पने न, इसलिए बताओ फिर प्रकृति आदि कल्पना करने का फायदा क्या रह गया? बुद्धि नित्य है और भोग देती रहेगी, उसे जब विवेक जगेगा, जो होगा सो स्थिति बनेगी, सो देखा जाएगा, लेकिन जब प्रकृति आदि मन की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब वो श्रुतियों को लाएगा पूर्व पक्षी, उसे बोले यहाँ तक ही टीका देगी। ज्ञानम यथा बुद्धि धर्म तथा सुखम दुखम इच्छा द्वेषो धर्मो अधर्मश्च इति, प्रयत्न नहीं गिना, इसलिए प्रयत्न को नहीं गिनाया है। इति एते गुणापि बुद्धिरेव परिणामाः बुद्ध्याः, ये सब बुद्धि के ही परिणाम करके निश्चय कर लो। तेषां कृति सामनाधिकरणेन कृति प्रयत्न तद अधिकरण वृत्तित्वेन अनुभव सिद्धत्वात्, कृति मैंने प्रयत्न उसका अधिकरण निरूपिता वृत्तित्वेन ही अनुभव सिद्ध होने से, तेषां कृति साध्यत्वात् के कृत साध्य यत्र ज्ञानम तत्र इच्छा, यत्र इच्छा तत्र च कृति रीति नियमा इति भाव, इन दोनों तीनों का परस्पर संबंध होने से। ननु बुद्धौ चैतन्य अनुभव अनुरोधेर बुद्धवेव चैतन्यम कल्पनीयम, फिर बुद्धि में चैतन्य का अनुभव होने से, यदि एक देश नहीं है पूछता है बुद्धि में चैतन्य भी मानना चाहिए। किंकृतम पुरुषस्य चैतन्यवत्तया, पुरुष को चैतन्य रूप मानने से क्या लाभ है?
कल्पनेन इत्यतः न च बुद्धिरिति बुद्धि चेतना न भवति बुद्धि पक्ष न च चेतना असाध्य न च साध्य की व्याख्या कर रहे चेतनत्व अभावती इत्यर्थः हेतु क्या है परिणामित्वाद इति मैं उसका व्याख्या है अनित्यत्व इत्यर्थः दृष्टांत क्या होगा घटादि दृष्टांत हो अनुसंधे मूल कारण नहीं कहा है लेकिन ग्रहण कर लेना चाहिए घटादि को यदि यत सांख्य मतम तद अपास्तम खंडितम इत्यर्थः समाप्त करने वहाँ एतेना यत सांख्य मतम इदम अपास्तम भवति नहीं आएगा खंडन युक्तिम वह यदि पूर्वोक्त युक्तियों से खंडन हो गया है फिर भी सांख्य की अपनी एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी तो तोड़ना पड़ेगा उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए अलग कुछ युक्तियाँ देनी पड़ती है जब बौद्धों में हमने नहीं दिया वेदांत में हमने नहीं दिया ऐसे कुछ युक्तियाँ यहाँ देनी पड़ेगी उन युक्तियों को प्रश्न करने के लिए आरंभ करते हैं कृति ही प्रयत्न अदृष्टम धर्माधर्मो भोगमने सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार तथा कृति स्वसमनाधिकरण एव अदृष्टम जनयति कृति हमेशा स्वसमनाधिकरण में ही अदृष्ट को पैदा करता है स्वसमनाधिकरण एव भोगम जनयति और स्वसमनाधिकरण में ही भोग उत्पन्न करेगा अदृष्ट भी यदि कृत्य दृष्ट भोगानाम एक अस्मिन् अधिकरणे आत्मनि प्रथमं साहित्यत्वात् एक अधिकरण आत्मा में ही आपको इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा बुद्धि में मानने से चलेगा नहीं इन्हें एक बोल रहा है ना युक्तियाँ अपने देने के लिए चैतन्य से आपी मैंने ज्ञान से आपी चेतनो हम करोमी थी सामान्यकरण्य प्रमिति प्रतीत है इत्यर्थ हो और चेत्र चेतन भी इसलिए क्या है ज्ञान भी आत्मा का ही गुण मानना पड़ेगा धर्म मानना पड़ेगा कि चेतन हम करोमी इत्यादि में प्रयत्न के साथ में सामान्यकरण हम चेतन को देख रहे हैं एकाग्रण वृत्तित्व देख रहे हैं हम अतएव कृति जहाँ पर होगा वहीं चेतन भी होगा ज्ञान भी होगा और कृति आत्मा में इस प्रकार सिद्ध होने के कारण से ज्ञान को भी आत्मा में ही मानना पड़ेगा तथा आत्मनि कृति चैतन्यम ज्ञानं च भासति इति यावत् तद भिन्न मैंने कर्तृभिन्न भिन्ने चेतने कर्तृभिन्न जो बुद्धियादि को में चेतन को मानने में प्रमाणाभावात् प्रमाण नहीं है तब सांख्य शंका करता है चेतन हमें चेतनांश भ्रांति मान लो चेतनम करो में सामान्य प्रतीति तो है एवं प्रतीति में भी हम प्रतीति को भ्रांत्यत्व प्रतीति मानेंगे चेतनांश में अंशत्रयम चैतन्यांश असमदंश कृत्यंशश्च मुख्य रूपेण तीन अंश इस ज्ञान में चेतनो अहम करोमी में मैंने तत्र अस्मदंश कृत्यंशश्च बुद्धेर वास्तविको इसमें भी अस्मदंश आत्मा नहीं लेना बुद्धि और उसमें रहने वाली कृति ये दोनों ही वास्तविक है बुद्धिगत ही मान रहा है और चेतनांश क्या है मानूंगा वो तो आत्मा का था वो बुद्धि में कैसे आ गया इसमें भ्रांति है उत्तरांश में चेतनत्वांश तो पुरुषस्य प्रतिबिंब अवतरणाद बुद्ध उपसंक्रांतो अवास्तविक पुरुष के प्रतिबिंब के कारण से अवतरित हो गया बुद्धि में उपसंक्रमित हो गया है अतः उसको अवास्तविक माननी चाहिए अतः चेतनत्व अभाववत्याम बुद्धो चेतनत्व प्रकार ज्ञानांशो भ्रम स्वीक्रियते इत्याशय चेतनत्व भाव वाली बुद्धि में चेतनत्व की जो प्रकार ज्ञान हो गया उसको ब्रह्म ही मानना चाहिए इत्याशय नहीं है कस्तद तुल्य द्वंद्विया प्रतिक्षिपति नहीं है जो है बराबर द्वंद्वी से उसको काटता बराबर द्वंद्व का मतलब क्या है मल्लों में जैसा होता है उसको तुल्य द्वंद्विया कहा जाता है मल्ल दोनों बराबर मल्ल वाले एक दूसरे को धक्का मारते इधर उधर इधर उधर धक्का मारते रहते धक्का मारते बराबर समान युक्ति है वो कहते जैसा चेतनांश में भ्रांति तुम कह रहे हो मैं कृत्यांश में भ्रांति कह दूंगा जैसे समान हो गया इसे कोई प्रमाण तो है ना नहीं इतने अंश में ही भ्रम है इस अंश में भ्रम नहीं है ऐसे क्या प्रमाण है आपके अपने सिद्धांत पर आपने कह दिया आप बुद्धि में प्रयत्न मानना चाह रहे हैं और आत्म में चेतनता मानना चाहते हैं इसके अंदर आपने कह दिया बुद्धि करो अहम करो मी दोनों बुद्धि का होने से ये यथार्थ है और चेतन जो बुद्धि के साथ सामान्यकरण जो हो गया है वो भ्रम कहते हो ये आप कहना चाह रहे हैं लेकिन ईसान के लोग लेकिन हम कहते हैं चेतनांश में बुद्धि में अहम के अंदर बौद्धि बुद्धि है उसमें चेतनांश का प्रतिबिंब आया हुआ है अति चेतनांश भ्रम कहते हो हम आपसे पूछते हैं कृत्यंश में भ्रम क्यों नहीं होगा
वो कहेगा ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में ही काम करने का सामर्थ्य है, कर्तृत्व है। जहाँ कर्तृत्व ही कृति होती है, प्रकृति का कार्य होने बुद्धि में कृति है, ठीक यही वो कहेगा। तब हम संगठन करें, बुद्धि में कृति नहीं हो सकती, दिखाएंगे आगे। इसे पूछा बुद्धि नित्य क्या नित्य है, ये विकल्प जो उठा रहे ना आगे, इसे पहले पहले उसकी खंडन इतना ही कहूँगा। वो कृत्यं से तुम भ्रम क्यों नहीं मानते, वो कहेगा प्रकृति कार्य होने से, प्रकृति कर्त्री है, उसे कृति होती है, वही बुद्धि में आ गई, ये वो कहेगा। तब हम कह यदि ऐसा है तो कोई आपत्ति नहीं, कार्यकारण भाव मान रहे हो तो, लेकिन ये सिद्ध करना है हमने फिर कार्यकारण भाव को भंग कैसे होगा बुद्धि और प्रकृति में। तब हम नित्य नित्य विकल्प उठा करके कार्यकारण भाव को खंडन कर दें। कृतित्व कह क्या ना, कृतित्व रहा नहीं अब बुद्धि में, वो कार्य है नहीं उसका, है नहीं तो क्या उसके अंदर कृतित्व नहीं आएगा, कृतित्व नहीं फिर कृतित्व कहाँ है, तो नहीं एक अंग मत आएगा आत्मा में प्रयत्न। तो आत्मा जब है तो आत्मा में चैतन्य भी है, तो चैतन्य में ही चैतन्य ज्ञान भी चैतन्यता भी आत्मा में है, प्रयत्न भी आत्मा में, उसको जो बुद्धि में देगा वो वयांश में भ्रम हो गया। अच्छा, दोनों भ्रम हो गया। यदि अहम सबसे आप बुद्धि लोगे तो दोनों अंश में भ्रम कहूंगा, अहम सबसे आत्मा लोगे दोनों अंश में भ्रमा कहूंगा। एक अंश में मानने कैसे न मानने में युक्ति नहीं ना, मेरे उसको प्रमाण नहीं है। या तो दोनों से भ्रम मानो या दोनों से प्रमा मानो, वो अहम पर निर्भर है। अहम से तुम बुद्धि लोगे दोनों से मैं भ्रम कहूंगा, अहम से आत्मा लोगे मेरे शरीर से दोनों से प्रमा हो जाएंगे, ये नहीं एक स्थापित करना चाह रहा है। अपि ही निर्धारणार्थ इसे नयक तुल्य द्वंद्व्या प्रतिक्षिपति कृत्यंश भी किम नैष्यते, कृत्यंश उसको भ्रम क्यों नहीं चाहते हो। अपि निर्धारणार्थ वास्तव अपि एव अर्थ कृत्यंश अपि बोल दिया कृत्यंश एव तथा च न्याय मते चेतनं करोमि इत्यत्र चेतनत्वांशो अस्मदंश कृत्यंशश्च वास्तविको जीवस्य। आगे ना हम सब सम क्या लेंगे जीवात्मा, और हमारे तीनों अंश प्रमा हो जाएगा, कोई अंश भ्रांति नहीं। अतः चैतन्यांशे अहम अंश च सांख्यो भ्रमम स्वीकरोति, इसे चैतन्यांश में और अहम अंश में सांख्य क्या कहेगा, भ्रमे कहेगा, क्योंकि आत्मा में ज्ञान नहीं मानता, प्रयत्न भी नहीं मानता, वहाँ सब मान रहेगा बुद्धि में, जो वो कहेगा मेरे कृत्यंश में यथार्थ है, और अहम शब्द आत्मा लोग है या अहम शब्द और चैतन्य शब्द ज्ञान लोग है वो हमारे लिए भ्रांति है, वो सांख्य कहेगा। शीघ्र तर्री कृत्यंशो भी बुद्धो ब्रह्मो अधिकम स्वीकृता, तो हम कह रहे तब नया कहता है जैसा तुम बुद्धि में कर्तृत्व मान रहे हो इसे कृति मान लिया, हाँ, और अहम पद से भी बुद्धि को ले रहे हो, तो हम कहते कृत्यंश में भी आप भ्रम क्यों नहीं मानोगे। यथा चेतनांश जो पुरुष का आ गया है बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण तादात्म्य हो गया, अतः भ्रम हो गया, हम कहते कृति भी आत्मा से ही आया उसको भी भ्रम मान लो, ऐसे क्यों नहीं मानते। उनके मत में आने वो कह रहा है ना, हम उस दोष दे रहे हैं ना, नहीं आया क्या रहा ना, उसमें भी भ्रम मानो, वो भी वहीं से आया मान लो, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास वहां से नहीं आया कहने में। तथा क्या हानि, देखो सांख्य पूछता है यदि इसको भी हम बाहर से बोलूंगे तो क्या हानि है, यदि बुद्धो कृतेर भ्रमो न स्वीकृते, यदि बुद्ध्यंश बुद्धि में कृति का भ्रांति अंश को स्वीकार नहीं करोगे तरी चैतन्य से भ्रमो मा स्वीकृता, यह हानि दिखाया, तो चैतन्य में भी भ्रम मत स्वीकार करो, दोनों यथार्थ है। तथा च अंश त्रय भी सह प्रतिदिनात्मनि वास्तविकी, फिर अंश त्रय में भी यह हानि दिखा दिया, इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा, तीनों अंश में वो आत्मा में मानना पड़ेगा और प्रमा माननी पड़ेगी, अपने न्यायकों के सिद्धांत आ जाएगा। वास्तविकी पूर्वोक्तस्य पूर्वो बना उसको पूर्वोक्तस्य च पुरुषः कर्तृत्वभावान कारणत्वभाव इति अनुमानस्य बाधकम अनुमानम, और इसलिए हम इस बाधक अनुमान भी प्रस्तुत कर दूंगा। अभी पुरुष क्या कहा था उसने, कर्तृत्वभाव वाला है, क्यों, वो कारण कोटि में नहीं आ सकता, कार्यनाश द्वारा कारणनाश भी जो मत स्वीकार कर उसे दोष दिया था ना, फिर पुरुष विनाश हो जाएगा, ये दोष दिया था वो दूर कर रहे हैं। बुद्धि ही कर्तृत्व भावती, देखो बुद्धि ही कर्तृत्व भावती जन्य धर्मत्वाद इति बोध्यम,
कि जन्य का धर्म है वो, कि बुद्धि को नित्य मानना पड़ेगा आपको। ये बुद्धि सदा बना रहेगा तो बुद्धि में अदृष्ट सदा बना रहेगा, अगर सदा बना रहेगा तो बार बार सृष्टि होने में निमित्त कारण मिलेगा, इसे बुद्धि को नित्य मानना पड़ेगा। बुद्धि को नित्य मानोगे तो जन्य नहीं रह जाएगा, अजन्य ना होने से कर्तृत्व भी नहीं उसके अंदर, प्रकृति कार्य नहीं रह जाएगा, वो प्रकृति का कार्य नहीं रहेगा, उसको अलग मानना पड़ेगा, नित्य मानना पड़ेगा। और नित्य पक्ष के लिए बातें बोल रहे हैं, कर्तृत्व नहीं रहेगा। और कर्तृत्व कैसे आएगा फिर? पहले कर्तृत्व कहाँ से आया था? प्रकृति की वजह से आया था। आप प्रकृति का कार्य नहीं मान सकते नित्य मान रहे हो तो, यदि उसको नित्य मान लोगे प्रकृति का कार्य नहीं मान सकते, और नित्य माने बिना संसार की व्यवस्था बनेगी नहीं, उत्पत्ति सृष्टि कैसे होगी, निमित्त कहाँ से मिलेगा इसको? कि बुद्धि बनी रहेगी सदा नित्य हो रहेगी तो उसमें अदृष्ट भी बना रहेगा, अदृष्ट भी निमित्त को लेकर के प्रकृति सृष्टि को बना सकती है। आत्मा में तुम नहीं मान रहे हो अदृष्ट को, बुद्धि भी नहीं रहेगी पर अदृष्ट कहाँ रहकर निमित्त बनेगा, इसे आपको बुद्धि को नित्य मानना पड़ जाएगा, वहीं हमको पकड़ में आ गया, फिर बुद्धि भी कर्त नहीं है कहना पड़ेगा। इसे ठीक उसके खिलाफ अनुमान किया, पुरुषता कर्तृत्व नहीं है कहते हो, बुद्धि भी कर्तृत्व नहीं है कहना पड़ेगा, कि उसको भी क्यों कहते जनित्व भाव नित्यत्व, सीधे से कहो पहला पक्ष विकल्प जो उठाया नहीं है इतनी इति भाव इति बोध्यम आत्मनश्च कर्तृत्व सुखादिकम अपनी तत्रैव अंगीकरण कार्यम इति प्रमाणाभावात् न ज्ञानतरम द्रव्यम काचित बुद्धिरिति भाव। आत्मा ही में हम कम नहीं क्या है, आत्मा कर्तृत्व मान लेते हैं, सुखादि वही रहेगा, तत्रैव अंगीकार्यम इति प्रमाणाभावात् तत्र न ज्ञानातिरिक्तम द्रव्यम काचित बुद्धि, से ज्ञान से भिन्न कोई बुद्धि नाम का द्रव्य के होने में कोई प्रमाण न होने से हम स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे अलग अलग किया ना उसने, बुद्धि ज्ञानम उपलब्धि, तीन अलग सिद्ध की थी, वो भी खंडन हो गया। ज्ञान से अलग बुद्धि नाम का चीज कोई कार्य नहीं है, वो ही नहीं, सांख्य मत था ना, खंडन कर देना सांख्य मत। आत्मा में से कर्तृत्व मानना पड़ रहा है तुमको, जब आत्मा में कर्तृत्व मान लिया, प्रयत्न मान लिया तो उसमें सुख दुख आदि मानना पड़ेगा, ज्ञान भी उसे मानना पड़ेगा, इसे ज्ञान से बुद्धि कहाँ अलग रह जाएगी, इसके परिणाम तुम कहो ज्ञान से अलग बुद्धि भी तुम्हारा सिद्ध नहीं हो पाएगा, से ज्ञान बुद्धि हमारे मत के अनुसार पर्यायवाची हो जाएगी। बुद्धो प्रमाणाभाव मुक्त, इस प्रकार से बुद्धि के स्वतंत्र रूपेण अलग कार्य रूपेण होने में प्रमाण नहीं है बात कह करके बाधकम अपि आह अन्यथा इत्यादि, बाधक भी दिखा रहे, ये नहीं मानोगे तो बुद्धि में नित्य स्वीकार करोगे या नित्य स्वीकार करोगे, विकल्प उठा करके बाधक भी दिखा रहे। अतिरिक्त द्रव्यत्वात्मक द्रव्यात्मक बुद्धि है स्वीकार, अतिरिक्त अतिरिक्त बनाओ उसको ठीक नहीं है, अतिरिक्त द्रव्यात्मक बुद्धि को स्वीकार करने में हम विकल्प उठाते हैं, सा नित्या अनित्या वा, अनित्य की अनित्य है, नित्यत्व पक्षे तस्याह सर्वदा सत्वे, नित्यत्व पक्ष होगा बुद्धि सदा बनी रहेगी, आत्मन मोक्ष भाव से आत्मा का मोक्ष कदापि होगा ही नहीं। सांख्य मत्ते बुद्धि योग पर्यंतम मोक्ष अंगीकारात, कि सांख्य मत्ते बुद्धि का योग जब तक बना रहेगा, संबंध बना रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होता, और बुद्धि नित्य रहेगी तो नित्य संबंध माननी पड़ जाएगी, मोक्ष कदापि होगा ही नहीं। अनित्यत्व पक्ष है तो बुद्धिर उत्पत्ति पूर्वम, यदि अनित्य अनित्यत्व पक्ष स्वीकार करोगे, हम पूछते जब बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई थी प्रकृति पुरुष दो ही नहीं रह गए, इसका तुम्हारे मत में बुद्धि जो उत्पन्न नहीं हुई थी क्या था, प्रकृति और पुरुष, उन दोनों में किसी में भी अदृष्ट ही नहीं, बुद्धि में ही माना ना, मैंने प्रकृति में भी नहीं मान रहा है वो और पुरुष में भी नहीं मानता अदृष्ट, फिर अदृष्ट भी निमित्त के बिना प्रकृति पुरुष को भोग देने के लिए सृष्टि का आरंभ कैसे करेगी, भले कर्तृत्व मान लेते हूँ उसमें, ये निमित्त बना हुआ पुरुष खड़ा है चेतनता प्रदान करेगा बनाने के लिए, लेकिन वो जो मुख्य निमित्त कारण है सृष्टि के प्रति अदृष्ट वो है नहीं, वो कहाँ है, इसलिए वो कह रहा है अनित्यत्व पक्ष में बुद्धि उत्पत्ति पूर्वं तो बुद्धि आश्रित बुद्धि जनक अदृष्ट सेव भाव, जब बुद्धि में आश्रित रहने वाली और बुद्धि के भी जनक है कौन, अदृष्ट, वो वही नहीं है कार्य का, वो कि बुद्धि उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक,
बुद्धि में रहने वाली चीज़ है ना, और जब बुद्धि में है ही नहीं, बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है तो कहाँ रहेगी वो है ही नहीं। अब है ही नहीं तो उस समय उत्पन्न कैसे होगा, बुद्धि रेव अनुत्पत्या, बुद्धि की उत्पत्ति कारण ही नहीं रह गया जो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। अनुत्पत्या संसार है से ही अनुत्पत्ति से संसार की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, आपत्ति है। कहाँ मानेंगे तुम पूछ रहे हो उसे, तुम बुद्धि में मान रहे हो ना, वो मान रहे हैं, कहाँ मान रहे, बुद्धि में मान रहे हैं। इन प्रलय कारण जब बुद्धि नष्ट होती है अदृष्ट कहाँ जाके बैठ जाते हैं, ये तो हम पूछ रहे हो उसे। उनके उनकी चालाकी क्या इसीलिए है, ये सब ये लोग कहाँ जाएंगे, प्रकृति में रहेंगे, कारण में। फिर उनको भी यही कहना पड़ेगा स्वरूपत नाश नहीं हुआ बुद्धि का, ये सुषुप्ति काल में हमारी मन बुद्धि स्वरूपत नाश नहीं होता, कारण नाश होता है केवल, वैसे उसको भी कहना पड़ेगा। फिर महाप्रलय काल में प्रकृति में सारे तत्व जब विलीन हो जाते हैं 2400 तत्व, तब वह बुद्धि भी विलीन हुआ लेकिन स्वरूपत नाश नहीं हुआ, ये कहना पड़ेगा। प्रत्येक जीव जितने बद्ध पुरुषों के संबंधी जो जो बुद्धि थे वो यथावत उसके चुप के बैठे हुए हैं साम्य अवस्था में, वो भी साम्य रूप में बैठे हुए, ये कल्पना करनी पड़ेगी उनको। नवी सांख्य ने यही कहा, तब हम कहते हैं नवी सांख्य को कहते हैं फिर तो तुम्हारी जो बुद्धि है जो उपाधि जो अहंकार अंतकरण वही रह गया, तुम्हारी प्रकृति हमारी माया हो गई। वेदांत सुंदर अलग कहाँ हो रहे हो, तीन ही बात में अलग हो रहे हो, एक अनेक पुरुषवाद मान रहे हो, ठीक, प्रकृति नित्य मान रहे हो, माया को नित्य मान रहे हो, दूसरी आपत्ति तुम्हारी, फर्क यही हो रहा है ना। लेकिन हम सिद्ध करते हैं उसको, ब्रह्म सूत्रकार में काफी सूत्र लगा सिद्ध किया प्रकृति नित्य नहीं हो सकती, यदि वो नित्य है नित्य सृष्टि क्यों नहीं, स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र माना तीसरा पक्ष क्या स्वतंत्र, हमारे क्या माया नित्य भले ही हो लेकिन स्वतंत्र नहीं है, पराधीन है, आते हो उसकी मर्जी से सृष्टि होगी उसकी मर्जी से सृष्टि खत्म हो गई, तुम्हारी तो स्वतंत्र है, पुरुष पूछे बिना बनाती है वो तो नित्य बनाते रहे, पुरुष भोगते ये नित्य बनाते रहे, नित्य भोगते रहे क्या फर्क पड़ना उसको, बुद्धि बने नित्य हो, प्रकृति नित्य है ना, प्रकृति नित्य हो गया फिर नित्य कार्य क्यों नहीं, नित्य सृष्टि क्यों नहीं बनता, जब कार्य है बना हुआ, कार्य में जो कारण बना हुआ है प्रकृति बनी हुई है, ठीक है, उसमें नित्य होने के नाते उसे कार्य भी नित्य से बना रहेगा, अदृष्टि भी बना रहेगा, पुरुष बैठा भोगने वाला, नित्य सृष्टि क्यों नहीं, फिर प्रलय क्यों मानना, फिर तो मीमांसक बनो अनाद्य अनंत संसार। इसीलिए इनके यहाँ समस्या सब ब्रह्मसूत्र में विस्तार अपना खंडन आया हुआ है, या संक्षेप में बोल रहे नहीं है अपने अनुसार। ननो बुद्धेर अनित्यत्वं स्वीकृते तथापि न तत्पुरम असंसारापत्ति, पूर्व पक्ष गया बुद्धि भले अनित्य है लेकिन फिर भी उसे पहले संसार नहीं था, नहीं मत कहो कैसे उत्पन्न होगा, ये शंका मत उठाओ। कल्पांतर बुद्ध्यंतरस्य, कल्पांतर में क्या था, दूसरी बुद्धि थी उसमें से नित्य कारणात्मक प्रकृति था, नित्य कारण प्रकृति से उत्पाद्यमानत्वात् उत्पाद्यमान होने से तत्पूर्व कल्पांतरिच बुद्ध्यंतरमिति संसार प्रवासीय अनादितम। देखो संसार प्रभाव को इस प्रकार से हम अनादि मान लेंगे, अत निराबाधमिति। कल्पांतरिक बुद्धि है यह नित्य प्रकृति में थी ना, वो नष्ट हो गई भले लेकिन प्रकृति में वो संस्कार वासना बनी रह जाती है, कल्पांतर के लिए उसको लेकर वो काम कर देगी प्रकृति, भले अदृष्ट नहीं है कुछ नहीं लेकिन वासना है ना उसमें, हाँ सफाई दे रहा है, यदि हम संसार अनादि मान लेंगे, न्याय ने खंडन कर दिया ना उनका, अब अपने समर्थन में बोल रहा है सांख्य। हम बुद्धि को अनित्य भी मानेंगे, ठीक है, उसे कर्तृत्व मानेंगे, सब मानते भी, आपने जो दोष क्या दिया था, बुद्धे पूर्वम संसार अनुत्पत्ति, ये आपत्ति दिया आपने, वो आपत्ति को दूर कर रहा है। हम संसार को अनादि मानेंगे, कल्पांतर बुद्धि थे उसे भी कल्पांतर बुद्धि था, उसे भी कल्पांतर में बुद्धि था, उसको लेकर प्रकृति अगला बनाएगी, जब प्रकृति अगले सृष्टि को बुद्धि को बना लेती तो पूर्व बुद्धि नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार चलते रहेगा संसार कल्प कल्पांतरों में। आप देंगे ना, देखो हाँ नहीं, ननु तो अब बोल रहा है, सांख्य ने शंका उठाया, अब तो ननु सब सांख्य बोलेंगे ना, उनका विचार खत्म हो गया, पहले जो चल रहा इत्यापास्तम को अगर सांख्य बोल रहा था, ननु वन नहीं है एक बोलता था,
अपाश्रम के बाद जो न्यायिक बोल रहा है सिद्धांत पक्ष, वहां अनुकोण करेगा, अभी सांख्य करेगा, जो जो युक्ति आप दें उसकी तो खंडन करने का प्रयास करेगा ना वो। अब आना भी कहीं नहीं से आदृष्टा देखी, व्यवस्था दे दी उन्होंने, व्यवस्था दे दी। हाँ, किंच तब चेतनाम करोमि इति प्रतीत है कृत्यधिकरणे आत्मनि चैतन्यम बुद्ध्यात्मकम यथार्थम अंगीकृतम तदपि न। देखो खंडन कर रहे हैं ना न्यायिकों का, ये जो आप न्यायिकों ने कहा चेतनाम करोमि इत्यादि प्रतीति के आधार कृत्यधिकरण पर आत्मा में चैतन्य जो बुद्ध्यात्मक है यह कहना और यथार्थ में स्वीकार करना आपने कहा था वो भी नहीं हो सकता। हमारे मट्टी के सांख्य बोल रहा है कि जड़ाया प्रकृति कार्यत्या बुद्धिर जड़त्वात्, कि जड़भूता प्रकृति का कार्य से बुद्धि भी जड़ होती है अचेतनत्वात्, क्योंकि हम हमारे मत बुद्धि क्या है अचेतन है और तुम्हारे मत बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची होने से चेतन हो जाता है। यहाँ फर्क हो गया नहीं फिर हमारे मत में तुम्हारे मत में, हम बुद्धि शब्द उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए अचेतन के लिए और तुम बुद्धि किसके लिए प्रयोग कर रहे हो चेतन के लिए, इसलिए बुद्धि ज्ञान तुम्हारे में पर्यायवाची होता है हमारे यहाँ नहीं हो सकता ये कहता है। यदि शंकते इत्याशय न, देखो स्पष्ट बोल रहे सांख्य शंकते मूल में नन्व अचेतनाया इत्यादि नहीं, अचेतनाया प्रकृत है कार्यत्वा बुद्धिर चैतन्यम कार्य कारण चेत न असिद्धे है। सिद्धांत ने क्या खंडन किया हुआ असिद्धे है कर्तृजनित्व माना भावात्य कहता। अचेतनाया मैंने जड़ाया प्रकृत है नित्यस्य त्रिगुणात्मक प्रधानस्य कार्यत्वात्, प्रकृति का कर्म ने त्रिगुणात्मक प्रधान नाम से जो कहा जाता है नित्य का कार्यत्वात् मैंने जन्य परिणामात्मकत्वात् बुद्धे महत्त्वस्य अचैतन्यम अर्थात न चेतृत्वम किंतु जड़त्वम। सांख्य मते कार्य से बुद्धियादि नाम कारणे न मैंने प्रकृत्य सह तादात्म्यात् अभेद अंगीकारात् तथा च प्रकृतिर नित्याया अनादित्वात् प्रकृति नित्य और अनादि होने के नाते तत्प्रयुक्त बुद्धियादि द्वारा संसारस्यापि अनादित्वम निराबाधम। देखो प्रकृतिर जड़त्वाच्च बुद्धियादि जड़त्वमपि निराबाधम अतो न चैतन्यम बुद्धिर येन कृत्य सामनादिकरणतया आत्मनि समवेयात इति भाव। तब सिद्धांत जो हो गया उसका अनुमान भी करेगा तब बाद में एका सिद्ध अनुमान तो संसार अनादि अनादि कारण प्रकृति प्रयुक्तत्वात् बुद्धि अचेतना प्रकृति जनत्व इति न्यायिकस तत्खंडयति असिद्धेरिति। ये दोनों अनुमान से तुम बना रहे हो या अनुमान दोनों ही असिद्धि दोषग्रस्त हो जाते हैं। क्यों उक्त अनुमान द्वयम् हेत्व सिद्धि दोषग्रस्त इत्यर्थः हेत्व सिद्धि दोष से ग्रस्त है।